नमस्कार दोस्तों, सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित प्रावधान को देखेंगे, यानी पहले एक्ट को समझेंगे जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 से संबंधित है, फिर इससे संबंधित उन प्रश्नों या जिज्ञासाओं को देखेंगे जो कि अधिकतर जो पीड़ित महिलाएँ होती हैं वो उनके दिमाग में ये गूंजता है कि अगर उन्होंने ससुराल पक्ष यानी मैट्रिमोनियल मेंबर्स के सदस्य किसी के खिलाफ अगर घरेलू हिंसा की शिकायत करती हैं तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो कुल 11 प्रश्न हैं जो हमने कई जगह से कलेक्ट किए हुए हैं और उनको एक एक करके लेंगे और उसके उत्तर को देखेंगे कि इस अधिनियम से संबंधित जो भी जिज्ञासा है, जो दुविधा है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने का प्रयास करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक है, तो फ्रेंड पहले बता दें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ठीक, ये घरेलू हिंसा जो अधिनियम है ये 498A ऑफ द इंडियन पैनल कोड से आया हुआ है, क्योंकि इसमें ये जो घरेलू हिंसा संबंधित है इतना ज़्यादा घटनाएं हो रही थी कि सरकार को ये लगा कि ये इंडियन पैनल कोड सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, और एक नया एक्ट की आवश्यकता है और इसीलिए उन्होंने 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को लागू किया। इसमें बता दें आपको कि कुल 37 सेक्शन है और 5 चैप्टर है, और इतने छोटे से एक्ट होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो कि घरेलू हिंसा का शिकार होती है। ठीक है, अब चलते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों और जिज्ञासाओं को देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये जो डीवी एक्ट घरेलू हिंसा अधिनियम है ये किन पे लागू होता है। तो आपको बता दें कि ये इनका जो प्रोटेक्शन है सिर्फ दो लोगों को मिला हुआ है, महिला और उनके बच्चे को। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आखिर घरेलू हिंसा किससे कहेंगे। तो इसके लिए सेक्शन 3 में ये अधिनियम खुद ही बताता है कि डोमेस्टिक वायलेंस 4 प्रकार से होता है। पहला मेंटल वायलेंस यानी मानसिक हिंसा, जिसमें महिला को मानसिक उत्पीड़न की जाती है। जैसे अगर किसी विवाहित महिला ने सास से कहा कि उसे गर्मी लग रही है तो सासू माँ तुरंत पलट के कहती हैं कि जाके अपने माँ से बोलो वो कूलर भेज दे या एसी भेज दे। यानी किसी प्रकार की कोई शिकायत तकलीफ अगर हो रही है और विवाहित महिला ने अपने सासू से कहा तो सास या ससुर तुरंत जो है मायके का उल्लंघन करते हुए उनको ताना मारते हैं। या महिला के बच्चे हैं तो बच्चे को परेशान किया जाता है, उसके साथ भेदभाव किया जाता है या मारा पीटा जाता है, और इस तरह से महिला को मानसिक उत्पीड़न की जाती है। दूसरा है फिजिकल अब्यूज यानी शारीरिक हिंसा, जो कि महिला के साथ मारपीट की जाती है, शारीरिक चोट पहुँचाई जाती है, चाहे वो लिंग हाथ पैर पे चोट करना या झूठा झटोल करना या किसी प्रकार का शारीरिक चोट पहुँचाना, इसे हम कहते हैं फिजिकल अब्यूज। ठीक, तीसरा है इकोनॉमिकल अब्यूज, आर्थिक रूप से हिंसा करना। जैसे महिला अगर कमाऊ है, अर्निंग मेंबर है, तो उसकी सैलरी या तनख्वाह उसे छीन ली जाती है, या उसके पास प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी का उपयोग करने से रोका जाता है। खासकर स्त्री धन, बता दें फ्रेंड वो होता है जो विवाहित महिला के शादी के समय या तो मायके पक्ष या ससुराल पक्ष या दोनों की तरफ से उसको प्राप्त होता है, और उसमें पूरा एकाधिकार उस महिला का होता है। या तो उस स्त्री धन को उसके ससुराल पक्ष वाले ने दुरुपयोग कर दिया है, बिना उसकी सहमति का या इस्तेमाल कर लिया है, या उसे इस्तेमाल करने ही नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, या किसी प्रकार का कोई इनकम अगर हो रहा है, कोई आय हो रहा है, तो वो महिला से उसे छीन ली जाती है। तो इस तरह से एक देखा जाए तो आपका इकोनॉमिकल प्रेशर या इकोनॉमिकल बैलेंस महिला के साथ की जाती है। और लास्ट है सेक्सुअल अब्यूज यानी लैंगिक हिंसा, यानी महिला के साथ कायिक संबंध बनाया जाता है वो बिना उसके सहमति के। ठीक है, तो ये कुल 4 प्रकार का, यानी कि मेंटल,
फिजिकल, सेक्सुअल और इकोनॉमिकल, ये चार प्रकार का हिंसा जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस अधिनियम में कवर होता है। अब आते हैं महिला का जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये कि क्या महिला सिर्फ अपने पति के खिलाफ ही शिकायत कर सकती है? तो ऐसा नहीं है, यानी कि महिला जो पीड़ित महिला है वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो पुरुष हो या महिला ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी शिकायत कर सकती है। आप बता दें कि पहले जो ये अधिनियम है इसमें मेल एडल्ट के बारे में कहा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा है कि पीड़ित महिला जो है वो महिला के खिलाफ भी शिकायत कर सकती है, जैसे 498A में दिया हुआ है कि क्रुएल्टी टू अ वुमन बाय अ हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड, जो भी रिलेटिव है हस्बैंड के, चाहे वो सास ससुर देवर ननद, कोई भी संबंध जो भी रिलेटिव है, चाहे वो ब्लड रिलेशनशिप से हो, चाहे मैरिटल रिलेशनशिप से हो या अडॉप्शन से, वो उसके खिलाफ पीड़ित महिला शिकायत कर सकती है। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर महिला खुद चोटिल नहीं हुई है और उसके बच्चे को चोट पहुँचाई गई है तो क्या तू भी डोमेस्टिक वायलेंस का सहारा ले सकती है? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि बच्चे की जो नेचुरल गार्जियन, प्राकृतिक अभिभावक जो होते हैं वो महिला ही होती है, और महिला के साथ किसी के साथ अगर कुछ होता है तो वो करेगी। अगर उसके बच्चे के खिलाफ भी किसी प्रकार का हिंसा होती है तो वो उसके बच्चे के पक्ष में भी महिला शिकायत कर सकती है और बच्चे को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर सकती है। डीवी एक्ट में मैंने आपको बताया कि ये महिला और उसके बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए बना है। अगला सवाल कि महिला अगर मान लीजिए घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो उसके पास क्या क्या साधन हैं, क्या क्या तरीके हैं, व्हाट आर लीगल स्टेप्स विच शी कुड टेक? तो सबसे पहला स्टेप है कि महिला पुलिस स्टेशन में जा करके FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लगा सकती है 154 में। और मान लीजिए कि वो थाने का ऑफिसर मना करता है कि भाई ये जो घटना घटी है उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, वो नहीं दर्ज कर सकते, तो ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी के मामले में कहा है कि पुलिस के क्षेत्र में घटना घटी हो चाहे ना घटी हो, पुलिस का फर्ज बनता है कि वो FIR दर्ज करे, ठीक है। और इसी तरह से एक घटना में देखा हुआ आशाराम बापू का, जो घटना राजस्थान में हुई थी लेकिन पुलिस जो इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट दर्ज की गई थी वो दिल्ली में की गई, क्योंकि विक्टिम क्योंकि राजस्थान में घटना घटी तो राजस्थान के थानों में मना कर दिया, तो विक्टिम जो है दिल्ली गई और वहाँ के थाने में रिपोर्ट लिखा, ठीक। तो वहाँ पर जब गैप जुडिक्शन वाले क्षेत्र में जब किया जाता है तो फिर वहाँ पर 0 FIR लिखा जाता है, यानी कि FIR का नंबर दर्ज नहीं होता और उसके बाद FIR रिकॉर्ड कर ली जाती है और संबंधित थाने में उसको पेश कर जाती है, ट्रांसफ़र कर दी जाती है, और वहाँ पर जहाँ पर जिस क्षेत्र में घटना घटी है उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जब वो रिकॉर्ड हो जाता है तो वहाँ पर वो FIR का नंबर दर्ज हो जाता है, ठीक है, इसे 0 FIR कहा जाता है। तो कोई पुलिस ऑफिसर सिर्फ इस आधार पे कि उसके क्षेत्र में ये घटना नहीं घटी है इसलिए वो FIR नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं कर सकता, ठीक। फिर भी अगर पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं करता है तो महिला के पास 154(3) में ये राइट है कि वो एक लेटर पे लिख करके अपने सारे ग्रीवांस को लिखते हुए SSP को वो सीधे कुरियर कर सकती है या पोस्ट कर सकती है, ठीक। सपोज करिए कि वहाँ भी मामला नहीं सुना गया तो वो सीधे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 CRPC में एक एप्लीकेशन लिख करके कंप्लेंट दाखिल कर सकती है। सपोज करिए कि यहाँ भी उसको रिलीफ या वो नहीं जाना चाहती है तो फिर वो अपने संबंधित लॉयर, अगर लॉयर को जानती है तो उसकी मदद ले सकती है, ठीक। नहीं तो किसी NGO की मदद ले सकती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी नहीं है तो किसी महिला आयोग जो उसके पास है आसपास के क्षेत्र में जहाँ वो रह रही हो, महिला आयोग का इस्तेमाल कर सकती है, उनका सहयोग ले सकती है। और नहीं तो लास्ट में एक ऑप्शन जो खुद यहाँ पर भी दिया हुआ है इस एक्ट में कि हर स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करे। प्रोटेक्शन ऑफिसर मतलब एक ऐसा ऑफिसर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंट होते हैं और उनकी दायित्व होती है कि जो भी पीड़ित महिला है उनके लिए वो न्याय दिलाने का काम करे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी भी पुलिस ये आपकी प्रोटेक्शन ऑफिसर की होती है, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो अपॉइंट किए गए हैं वो इसी एक्ट के अंतर्गत किए गए हैं जो पीड़ित महिला को न्याय दिलवाएंगे, ठीक। तो ये कुल आपके साधन है या तो पुलिस के पास या मजिस्ट्रेट के पास
या लॉयर से संबंधित है, या प्रोटेक्शन ऑफिसर की मदद ले सकते हैं, या एनजीओ की मदद ले सकते हैं, और नहीं तो कोई महिला आयोग की मदद लेकर के अपने ग्रीवांस को दूर करवा सकते हैं। अब ये है कि क्या क्या लीगल प्रोसीडिंग होगा, यानी कि अगर महिला कंप्लेन करती है तो विधिक कार्रवाई में क्या क्या स्टेप फॉलो किए जाएंगे। तो आप बता दें कि कोई भी हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो महिला आयोग हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो या आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, ये सारे कुछ फाइनली जो है जो रिलीफ मिलाएंगे, जो दलित दिलाने की कोशिश करेंगे, वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास ही जाएंगे, यानी उसे मजिस्ट्रेट कोर्ट कहा जाता है। तो न्यायालय को अगर लगता है तो सबसे पहले तो कंप्लेन दाखिल होगा और तुरंत इशू नोटिस होगा, और जिस दिन पहली हियरिंग होगी उस दिन विक्टिम और एग्रेसर, जिसने घटना किया है एग्रेसर, दोनों के समक्ष पहली हियरिंग में ही अगर न्यायालय को लगता है कि बहुत ही अर्जेंसी है और इसमें महिला की सेफ्टी का, खासकर हेल्थ, लाइफ, लिम और वेलबींग प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो पहले ही हेडिंग में ही एक स्पेशल प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करते हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन ऑर्डर मतलब महिला को प्रोटेक्ट करते हुए, उनके रहने खाने की व्यवस्था करते हुए एक ऐसा डायरेक्शन पास किया जाएगा जो कि महिला को आगे, अब तो जो हो गया सो हो गया, आगे उसे किसी प्रकार का घरेलू हिंसा का शिकार ना होना पड़े। ठीक है, ये पहला ही स्टेप में, यानी पहली हेयरिंग में ही हो जाएगी, और नहीं तो एक दो हेयरिंग में तो उनको रिलीफ मिल ही जाएगा। ठीक, अब ये है कि अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए न्यायालय कहती है कि इसमें मान लीजिए महिला को कोई शारीरिक चोट पहुँची हुई, तो इसमें जो मेडिकल एक्सपेंसेस है और लीगल एक्सपेंसेस, इसको कौन बेयर करेगा? तो इसका उत्तर ये है कि जो भी एक्सपेंसेस आ रहा है, लीगल एक्सपेंस, विधिक खर्चे जो आ रहे हैं या मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो सारा खर्चा महिला के हस्बैंड, पति के द्वारा वहन किया जाए, ये कोर्ट डायरेक्शन दे देगी, और नहीं तो महिला अपने लॉयर से कह करके वो न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। यूजुअली जो है सारे खर्चे महिला के पति ही उठाते हैं। ठीक, अगला सवाल ये है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, कंप्लेन लिखाई गई है, ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या बच्चों पर पड़ेगा? तो मैंने आपको पहले बताया कि ये अधिनियम जो है महिला और उनके बच्चे के लिए है, और ये बहुत ही सैड, दुखद बात है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या कोई डोमेस्टिक डिस्प्यूट होता है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट बच्चों पर पड़ता है। तो महिला को, जो एक महिला है, उसको ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ तक हो सके उस बच्चे को इम्यूनाइज करना चाहिए, इंसुलेट करना चाहिए ऐसी घटना से दूर रखने के लिए, तब तक जब तक कि बच्चा को जहाँ तक हो सके वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे कि उस घटना से दूर रखें। ठीक है, सिवाय एक कंडीशन में कि अगर बच्चा खुद ही अब्यूज़ है, यानी उसके साथ ही घरेलू हिंसा हो रही है और उसकी शिकार लेके खुद महिला गई हुई है, तो फिर बच्चे को पता ही चल जाएगा। नहीं तो और अदर केसेस में जो बच्चे पे डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी डायरेक्टली उसके साथ कोई भी हिंसा के काम नहीं की गई है, तो ऐसे बच्चे को ऐसे डिस्प्यूट से, मैटरिमोनियल डिस्प्यूट से दूर रखना चाहिए। अगला सवाल ये है कि अगर महिला कंप्लेन दाखिल करने जाती है, ठीक, और वो किसी वजह से अपने बात को ठीक से रख नहीं पा रही, या जो भी उसने आरोप लगाया और उसके विपक्षीगण, यानी उसके हस्बैंड और ससुराल पक्ष वालों ने सीधे एक सदस्य नकार दिया, तो फिर ऐसे कंडीशन में महिला क्या करेगी? तो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी घटना जब घटित होता है, उस समय ना तो पुलिस वहाँ होती है, ना मजिस्ट्रेट होती है, ना एनजीओ होते हैं, ना ही महिला आयोग होती है, और ना ही प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं। तो महिला जो कंप्लेन कर रही है, अगर उसके शरीर पे कोई चोट नहीं पहुंची है, चोट पहुंची तब तो खुद खुद अपने आप पे रस एप्सा निकोटो लागू हो जाएगा, क्योंकि परिस्थिति खुद ब खुद बयान कर रही है क्या घटना घटी। लेकिन मान लीजिए उसके शरीर पर कोई चोट नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में महिला को एक ऐसा टेस्टिमोनी या ऐसा साक्ष्य देना पड़ेगा जिससे साबित हो रहा हो कि जो कह रही है वो सत्य है। इतना तो कोर्ट को विश्वास देना होना पड़ेगा, और एक बार कोर्ट को ये एहसास हो गया, प्राइवेट विषय लग गया कि हाँ मामला बनता है, तो वो सीधे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए विपक्षीगण कोई पार्टी को बुला सकती है। बस इतना महिला को करना पड़ेगा, पीड़ित महिला को करना पड़ेगा कि वो अपने पक्ष को इतना एविडेंस प्रूफ बना दे, इतना टेस्टिमोनियल लेकर के आए जिससे कि कोर्ट जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो जाए। बस
एक बार क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट मान गई या प्राइवेसी कोर्ट का एहसास हो गया कि यहाँ घटना घटी है, महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है, घर में हिंसा हुई है, तो उसके बाद महिला को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बाकी कोर्ट खुद ब खुद ढूंढ लेगी और महिला के पक्ष में कोई ना कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर ही देगी। इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए महिला को तो अब कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और अपनी बात को कहना पड़ेगा कि हाँ उसके साथ उत्पीड़न हुआ है। अगला सवाल ये है कि अगर न्यायालय पूरा कंप्लेंट सुनती है और फाइनल कंक्लूड हो जाता है, ठीक है, और उसके बावजूद अग्रेसर जो है वो घरेलू हिंसा करता जाता है महिला को, तो ऐसे में महिला क्या करेगी? तो आप बता दें कि एक बार कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर न्यायालय ने पास कर दिया, ठीक है, और उसके बाद भी घरेलू हिंसा चल रही है, अगर महिला ने दोबारा कंप्लेंट किया तो जो अग्रेसर है उसके खिलाफ तीन एक्शन हो सकते हैं। पहला तो ये कहा जाएगा, अगर हस्बैंड है तो अग्रेसर अगर हस्बैंड है तो उसे ये कहा जाएगा, या कोई और भी व्यक्ति है तो ये कहा जाएगा कि जिस घर में महिला रह रही है वो घर उसे छोड़ दे, यानी या तो महिला को अलग घर रहने की व्यवस्था करे, सारा खर्चा वो उठाएगा, और नहीं तो फिर जो अग्रेसर है उसको उस घर से अलग कर दिया जहाँ पर महिला रह रही है, ठीक है। और इवन तब भी डायरेक्शन कर सकती है कि भले ही वो जो अग्रेसर है वो घर का मालिक ही क्यों ना हो, सारा खर्च घर बनाने में उसने ही क्यों ना किया हो, उसको ही उस घर से अलग कर दिया जाएगा, या तो उसे कहा जाएगा कि नया कोई दूसरी व्यवस्था की जाए जहाँ पर पीड़ित महिला रह सके, और नहीं तो उसे कहा जाएगा कि तुम इस घर को छोड़ के जाओ, जिससे कि महिला का उत्पीड़न आगे ना होने पाए, ठीक। पहला। दूसरा, उस अग्रेसर को जेल टर्म यानी उसे जेल में भेजा सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, जैसा कानून कहेगा उसे जेल में डाला जा सकता है। और तीसरा, अगर न्यायालय ने कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया हुआ है और उस ऑर्डर के पास होने के बावजूद अग्रेसर लगातार उस ऑर्डर का उल्लंघन कर रहा है, न्यायालय उसके खिलाफ कंटेंप्ट प्रोसीडिंग अवमानना का प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, ठीक। और कंटेंप्ट प्रोसीडिंग में उसके दो कंक्लूजन होते हैं, उसका जो एंडिंग होगा वो ये होगा कि या तो फाइन या जेल या दोनों का प्रावधान दिया हुआ है कंटेंप्ट प्रोसीडिंग में। तो कोर्ट का आदेश के उल्लंघन के खिलाफ अग्रेसर को या तो जेल भेजा जा सकता है या फाइन के लिए कहा जा सकता है या दोनों ही सजा दी जा सकती है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो महिला जो पीड़ित है घरेलू हिंसा की वो निर्भीक होकर सामने आए और अपनी बात को कहे, ठीक। मैंने आपको साधन बताया और किसी भी माध्यम से वो अपनी शिकायत कह सकती है, क्योंकि याद रखिएगा कि अत्याचार को सहना भी अत्याचार को बढ़ावा देना होता है, उसी तरह से घरेलू हिंसा को सहना भी एक हद तक तो समझ में आता है, लेकिन एक हद के बाद घृणा हिंसा या कोई भी हिंसा को रोकने के लिए उसका विरोध करना आवश्यक होता है, तभी वो रुकेगा, ठीक है। हमारे भारत में वर्ष में यूजली महिलाएं छोटी छोटी घटनाओं को डरना कर देती हैं, बहुत ज़्यादा असहनीय हो जाता है तभी शिकायत करती हैं, और उन 30% में से 75% महिला ऐसी होती हैं जो लीगल कोर्स यानी लीगल कोई भी जो उनको बेनिफिट मिला हुआ है उसको अवेल करने की कोशिश नहीं करती, यानी कि वो कोई भी विधिक कार्रवाई अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ नहीं करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि बुरा हो भला हो जैसा भी है उसका पति ही परमेश्वर है। तो ठीक है, आपके भावना को मैं चोट नहीं पहुँचा, लेकिन अगर घरेलू हिंसा लगातार आप पे अगर हो रही है, चाहे वो आपके पति करते हों या पति के रिश्तेदार करते हों या ससुराल पक्ष मैट्रिमोनियल हाउस कोई भी व्यक्ति करता हो, ठीक है, तो एक हद तक तो समझ में आता है, लेकिन एक हद की बात उसे रोकना जरूरी होता है, इसलिए महिला को मुखर करके अपनी बात को कहना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट। तो ये है शॉर्ट में उन प्रश्नों को मैंने लिया है जो आमतौर पर महिलाएं फेस करती हैं और इस अधिनियम के प्रोस और कॉन्स के बारे में मैंने इस वीडियो के माध्यम से जिक्र करने की कोशिश किया। तो दैट्स इट फ्रेंड, अगले वीडियो पर हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।